गॉड, टेस्ट अच्छा लग रहा है, ओह खा सकते हैं। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आप लोगों के लिए हूँ फिर से एक डबल स्पाइसी चैलेंज। ये कोरियन नूडल चैलेंज है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस चैलेंज को कर रखा है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी होते हैं ये। हमने और भी चैलेंजेस कर रखे हैं, उसमें भी स्पाइसी है, लेकिन अभी हम मैंने बिल्कुल भी टेस्ट करके नहीं देखा। और पहले चलिए चलते हैं, ये कैसे बनाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं कि ये हम लोगों ने कैसे बनाया है। तो चलिए चलते हैं और बना के मिलते हैं, फिर आपके साथ चैलेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये स्पाइसी नूडल्स के ये 2 पैक, और फिर उसके बाद मैं इसमें पैन में 1 मग पूरा पानी डालूंगी और उसमें 1 केवल ये डालूंगी। अलग अलग बना रही हूँ जिससे क्वांटिटी ना बराबर रहे। तो इसके बाद ये पाउच निकले हैं इसमें 2, और इसको भी इसमें डालेंगे। जब ये थोड़ा सा अच्छे से बॉयल हो जाएगा उसके बाद इसको हल्का सा पलट देंगे, और अब ये जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा तभी इसको डिस्टर्ब करेंगे, वरना ऐसे ही रख कर रहने देंगे और बाद में ये डाल देंगे। फिर ये देखिए अच्छे से बॉयल हो गया है, और इसमें सबसे पहले मैं ये वाला पैकेट डाल रही हूँ। इसमें पता नहीं क्या निकला था, इसमें लकड़ी सी ये आपको दिख रही ना, पता नहीं क्या था। फिर इसके बाद ये मसाला इसमें निकला था जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। अब देखते हैं स्पाइसी है कि नहीं, इसमें तो दिख रहा है हाँ बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो इसको अच्छे से मिला देना है हमको, सिंपल सा तरीका है लेकिन अलग थोड़ा सा ये पता नहीं क्या निकला था। तो इसको मिला देंगे और एक प्लेट में ये देखिए तैयार हो गया है, और एक प्लेट में इसको सर्व कर देंगे। अच्छे से सर्व कर देते हैं और फिर मिलते हैं, खाते हैं, देखते हैं कि ये कैसा टेस्ट है, कैसा क्या है, बताते हैं, मिलते हैं। चलिए मिलते हैं वीडियो पे। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमने इसको कैसे बनाया है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का, और बड़े आराम से बन जाती है। और मैंने हम लोगों ने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं टेस्ट किया है, और पता भी नहीं है, इसका अंदाजा भी नहीं है। हम आपको टेस्ट करके बताएंगे इसका टेस्ट कैसा और कितना स्पाइसी है कितना नहीं है, ये भी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे, क्योंकि और भी स्पाइसी हम लोगों ने नूडल चैलेंज कर रखे हैं। तो अब देखते हैं कि कौन सा ये स्पाइसी, वो वाला स्पाइसी है कि ये वाला स्पाइसी है जो इसको लोग बहुत ज्यादा फेमस है। ये कोरियन नूडल स्पाइसी बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ भी एक चैलेंज करते हैं। तो और दीदी का भी बहुत ज्यादा मन था कि चैलेंज करो, नूडल चैलेंज स्पेशली बहुत ज्यादा मन था हम उनके साथ चैलेंज करें। बहुत ही अच्छा उन्हें लगा था जब हम लोगों ने चैलेंज किया था, बहुत ज्यादा उन्हें मजा आई थी और बहुत ज्यादा देखते भी हैं हमारी वीडियोस भी। तो मैंने सोचा चलिए इनके साथ करते हैं। और तीखा बहुत ज्यादा इनको पसंद है, हमें भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन हाँ इतना नहीं पसंद है कि मतलब भर भर के आगे ही निकल आए पेट से, बिल्कुल आग एकदम तहस नहस हो जाए, तो इतना नहीं। लेकिन हाँ चैलेंज के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। मेरा भी बहुत मन हो रखा था चैलेंज करने के लिए, तो चलिए देखते हैं कि कौन जीतता है। मेरा तो सुन, जीतने का प्राइस नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इतना तीखा है। हाँ वैसे मैं हम लोगों ने सोचा था कि सुना तो यही है कि बहुत ही ज्यादा तीखा है, तो ऑलरेडी अपने आप में ये एक सजा है, तो क्या किसी को चैलेंज देना। नहीं वैसे हम लोगों ने सोचा था कि क्यों ना हम लोग मनी प्राइज रखते हैं इसके लिए, तो माइंड में आया कि ऑलरेडी इतना स्पाइसी है, अपने आप में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही है। मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है। हम लोगों ने ये वाला ये कोरियन नूडल चैलेंज यूट्यूब पे देखा तो बहुत है, लेकिन मतलब खाया नहीं है कभी। देखते हैं कि कितना स्पाइसी है कितना नहीं है। तो उसके साथ ये ले रहे हैं वो, मेरे तो अभी से पसीने आ रहे हैं इसको देख के, ये देखो तो गर्मी भी आ रही है, तो पसीने कितना दिखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करिए आप वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और मेरी
पुरानी वाली भी वीडियो इस वीडियो के देखने के बाद जरूर चेकआउट करिएगा, वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, तो आप जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। उन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे भी देती रहूंगी, आप जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और तो मेरी खिसे इग्नोर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है ये स्पाइसी नूडल चैलेंज। देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चॉपस्टिक लाना मैं भूल गई थी। हाँ, ये इस चॉपस्टिक के साथ हम लोग करेंगे चैलेंज। इन चॉपस्टिक का होगा क्या? तो यूज में तो लाना ही है, घर में तो इनका यूज होता नहीं है, तो इसका भी इसके साथ ही खाना है। पूरा कोरियन वाला फील भी तो आना चाहिए। बट ये मेरे लिए बिल्कुल नया, मुझे कैसे यूज करना ये भी नहीं आता यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तो चैलेंज रहता है कैसे, कभी ना कभी तो देखा ही होगा कि हाँ कोरियन वाले लोग वो चाइनीज कैसे खाते हैं। बट खाया तो नहीं ना, ऐसे पकड़ के खाइए, जैसे खा पाते आप वैसे खा सकते हैं इस पे भी। यार ये तो गलत है यार, मेरे लिए तो ये और टफ हो जाएगा फिर तो। यही तो चैलेंज है, नहीं फिर तो तुम जीत जाओगी इस तरीके से। तो खानी भी तो पूरी है, इतनी स्पाइसी है, पूरी खानी पड़ेगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लग रहा है कहाँ कहाँ लगेगा, जहां जहां से निकलेगी। एक ही बाइट में तीखा लग रहा है, पूरा खाना है। देखने में इतना नहीं लग रहा है लेकिन खाने में बहुत ही ज्यादा स्पाइसी। आप अगर घर में चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट तो अच्छा है। पसीना निकल रहा है भाई, सब बहुत तीखा है। कोक भी पी सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा तीखा है, इसलिए मैंने रखा इसीलिए। हाँ ये पी सकते हैं। ये क्या गाइस, लंगड़ा। ओह सॉरी गाइस, दिस इज माय लंगड़ा कोक। काम तो चलाना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा हो जाए यार। देखो सीधा रखे, ये रुक नहीं रहा है तो लंगड़ा ही कहेंगे इसको। तुमको हाथ नहीं पकड़ना पड़ेगा यार, लगता है इसको दबा तो मारो मारो इसको नीचे में, तो मारो मारो इसको नीचे में। कोई दिक्कत नहीं, मैं एडजस्ट करता हूँ। मैं थोड़ा अवॉइड किया क्योंकि इसका पेट थोड़ा सा फूल आया है नीचे से, तो मुझे इसको कोक नहीं चाहिए, मुझे हाथ में रोकना पड़ेगा। तो ये आप काम चलिए, बहुत जल रहे हैं पूरा यहाँ, पूरा मेरा जो ये माउथ के आसपास है ना, पूरे जलन हो रहा।
लकड़ी सी निकली उसी मसाले में जो मैंने मिक्स करी थी। बिल्कुल नया है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसको लेने में, बट कोई नहीं। बहुत ही ज्यादा तीखा है, पूरा मुंह जला जा रहा है। Oh my god! Oh my god! Oh my god! ये क्या हो गया? कोई नहीं, एक हाथ से बहुत ज्यादा तीखा है। आई थिंक ये अंदर से ज्यादा ये होठो पे ज्यादा जल रहा है ना। अंदर इतना तीखा पर नहीं महसूस हो रहा जितना आपको ये आपके लिए होठ इतने जल रहे हैं। ऐसा लग रहा किसी ने पूरी मिर्च ही मुंह में लगा दी है यार। अंदर पेट में जाके बहुत ज्यादा तलन हो रही है। यहां से तो गले से तो उतर रहा है, जीभ में तो लगी रहा है, लेकिन पेट में जलन सी महसूस हो रही है इसको खाके। अब चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। नहीं हो रहा यार, वो बहुत जल रहा है। Are you okay? I'm really sorry guys. मैं अब नहीं खा सकती, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती, बिल्कुल भी नहीं खा सकती। लेकिन अगर मैं तुमसे एक सिप और ज्यादा ले लूं तो फिर मैं जीत गया। क्वांटिटी देखी जाएगी, क्वांटिटी तो मेरी बहुत कम है। देखो नहीं, मेरी ज्यादा है। टाई हो गया। टाई? यार ये तो चीटिंग है यार। नहीं, टाई हो गया। एग्जिट होने के लिए तुमने कहा है तो आप खा सकती हैं क्या? मतलब अगर मैं तुमसे एक बार ज्यादा और खाऊं तो? एक बार नहीं, बहुत ज्यादा दिखा फिलहाल। मैं बता रही हूँ, मतलब हो गया, टाई हो गया। मैं बता रही हूँ, अगर आप मतलब स्टार्टिंग में तो टेस्ट अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों हमको उल्टी सी आ रही थी, वोमिट। यस, अगर आप इसको अभी भी मेरे को उल्टी आ रही है। ए, मेरे को तो सही रहने दे, निकल यहां से। सच में निकलो यहां से। नहीं, मैं कोशिश करूं, मैं रुक जा। अगर आप ये खाते हैं ना, वैसा लगा कि मेरे सामने रखी हमको देख देख के उल्टी लग रही है। अगर स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा हाँ टेस्ट अच्छा है, लेकिन जब मैंने ज्यादा खाने की कोशिश करी तो आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते इतना। बाकी यूट्यूबर्स कैसे खाते हैं मुझे नहीं पता, शायद उनको टेस्ट अच्छा लगे, लेकिन हमको ये बहुत ही ज्यादा गंदा टेस्ट लगा। आपको कैसा लगा? मेरे को तो टेस्ट अच्छा लगा, बट ये जो स्पाइसी का जो ये जलन का नेचुरल जो फ्लेवर आ रहा है और जिसका तीखापन आ रहा है वो मेरे लिप्स पे ज्यादा आ रहा है, इस वजह से दांतों में मसूड़ों में लग रहा है बहुत अंदर से ज्यादा। मेरे लिप्स को ये ज्यादा तंग कर रहा है, तो बाकी अंदर तो जा ही रहा है। बाकी बहुत ही मुझे टेस्ट में मुझे उल्टी आ रही है, लिटरली बता रही हूँ, उल्टी आ रही है, देख देख के आ रही है। इतना टेस्ट, इतना गंदा। अगर आप नहीं खा सकते, थोड़ा तो खा सकते हैं, लेकिन अगर अगर आप कहिए इतना सब खा ले, नहीं खा सकते आप।
किसने किसने ये ट्राई करा है आप जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा, किसने किसने ट्राई करा, किसने टेस्ट करा, किसको अच्छा लगा किसको नहीं अच्छा लगा। फिलहाल हम ये इसके आगे चैलेंज नहीं कर सकते, मैं तो हाथ खड़े कर रही हूँ, मैं तो इसके आगे नहीं कर सकती, मेरे को लग रही है उल्टी बहुत ज्यादा। यहाँ पे हम दोनों का हो गया है टाई, तो दीदी अब बिल्कुल उनका जल रहा है मुंह, इस वजह से नहीं खा पा रही, और मेरे साथ साथ जलन के साथ साथ हमको उल्टी लग रही है। तो अगर आप इसका ट्राई करना चाहते हो आप इसको तो आप कर सकते हो, लेकिन हम लोगों को इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। दीदी को अच्छा लगा कुछ कुछ हद तक, लेकिन हमको जो उल्टी ही आ रही है हमको तो बहुत ही ज्यादा गंदा लगा। पहले स्टार्टिंग में अच्छा लगा, उसके बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसका टेस्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल तो हो ही नहीं सकती, इंजॉयमेंट के लिए लगाइए, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो और थोड़ा सा भी आपको मजा आया हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस गाइस गाइस, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत कर रही है, सो प्लीज मेरी भी रिक्वेस्ट है आपसे, इसके चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और जितना ज्यादा इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं तो प्लीज बढ़ाइए। मैंने खुद से देखा है, काफी पहले जो है सेटअप तैयार करना पड़ता है, उसमें काफी एफर्ट्स लगते हैं, फिर ये सब जो आपके लिए आप लोग को बस केवल 20 मिनट या 15 मिनट या एक मिनट एक सेकंड एक मिनट की भी आप मेरी अगर वीडियो मेकअप की मैं बनाती हूँ अगर आप देखते ना, उसमें भी दो दो तीन तीन घंटे लग जाते हैं हमको उस वीडियो को बनाने में, फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह सब कुछ करनी पड़ती है, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप थोड़ा सा भी हमको एक लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, तो मोटिवेशन जो है ना वो अंदर से आता है कि हाँ हमारे सब्सक्राइबर्स जो है हमको देख रहे हैं, हमको पसंद कर रहे हैं हमारी वीडियोस, तो अपने में भी मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम वीडियोस बनाए और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस लाए आपके लिए, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा एंटरटेन हो, या फिर मेकअप से रिलेटेड भी अगर आप कॉमेंट करते हैं या कुछ भी करते थे उससे भी हमको एक मतलब हौसला मिलता है कि हाँ हम आगे मेकअप की और भी अच्छी अच्छा कुछ और अच्छा मेकअप करने की कोशिश करें जो आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल हो आपके लिए। तो इसलिए थोड़ा सा अगर एक लाइक और एक कमेंट भी आप छोड़ के जाते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, और मैं हर एक पर्सन का रिप्लाई करती हूँ। मैं ऐसा कोई पर्सन आप मेरे पूरे यूट्यूब में इतने दिन से देख लीजिए, ऐसा कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है कि मैंने उसको रिप्लाई ना करा हो, हर वीडियो पे मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। और प्लीज आप लोग एक कमेंट कर दिया करके जरूर छोड़ा करिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत तो कर ही रहे हैं, अब क्या ही बताएं। मैंने कुछ से देखा है, बस कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में कुछ अपनों के लिए, ये सब आप ही की मदद से होगा, बस आप ही लोग, यस आप ही लोग कीजिए, आप बढ़ाइए उसको, कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा उसके लाइक करें, आप शेयर करें, और वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, 300 व्यूज में केवल 100 लाइक, सब वो मुझे लगता है देखने में लाइक कर दिया करिए, लाइक करने में आप केवल बस एक लाइक ही ऐसे दबा दो बस, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा तो इंटरेस्ट, थोड़ा सा तो कुछ अच्छा लगा ही होगा ना, तो उसी में ही लाइक कर दिया करिए, बहुत अच्छा लगता है हमको। नहीं, ये बहुत एक्साइटेड होकर के हर वीडियोस की तैयारी करती है, सोचती है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं हैप्पी हों और वो मुझसे कनेक्टेड रहें वो, और जो है काफी इंटरेस्ट के साथ देखे हैं इसको, और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा अगर आप लोग देख रहे हैं ना, एक इसी बात पे दो दो तीन तीन कमेंट छोड़ के जाओ, ऐसा कैसे, दो दो तीन दिन आप करेंगे ना, मैं उसके बाद भी मैं दो दो तीन दिन का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं करती जरूर हूँ। हाँ, एक यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छा ये मोटिवेशन होता है कि उसकी वीडियोस को लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना उसको बढ़ा रहे हैं आगे, उसको उसका इतना साथ दे रहे हैं, तो इससे काफी ज्यादा हमको पावर मिलती है कुछ आगे और भी अच्छा करने की। तो मेहनत तो मैंने इसकी देखी है, बताई भी आपको कि काफी एफर्ट्स करती है ये और काफी मेहनत करती है, तो आप प्लीज गाइस इसको बढ़ाने की कोशिश करें। मैं जो भी अभी तक सब्सक्राइबर हुए हैं तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ये सब्सक्राइबर रुकने नहीं चाहिए, बस बढ़ने ही चाहिए, तो आप लोगों के सपोर्ट से ही ये हो सकता है। तो चलिए अब ज्यादा बकवास नहीं करते, और रिक्वेस्ट करते टाइम वो मीटिंग चली गई तुम्हारी, हाँ बस ये पता नहीं क्यों मतलब मेरे को इसकी स्मेल से बड़ा अजीब लग रहा है, तो चलिए चलते हैं। और खास फर्क नहीं पड़ा, बस ये था कि मेरे होठों पे बहुत ज्यादा जलन, हाँ जलन तो हो रही थी, आप घर में चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये इतनी कॉस्टली आप क्यों लेंगे, 5 रुपए की अपनी मैगी इंडियन ही बढ़िया है, खाइए बनाइए खाइए, और इसका प्राइस फिलहाल हमको इतना टेस्ट अच्छा नहीं लगा, कैसा लगा चैलेंज करके, काफी ज्यादा अच्छा लगा, मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, और आपको मजा आया कि नहीं ये जरूर कमेंट करके बताइए, ये आपके कमेंट से पता चलेगा, ये यस। और अगर आपको इसी तरीके की और भी अच्छी वीडियोस देखनी है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, और इससे अच्छा अगर आपको कोई और चैलेंज आपको सजेस्ट करना है तो आप सजेस्ट करिए, हम जरूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ और भी चैलेंज के साथ अच्छे अच्छे, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय लवली एवरीवन। लोगों ने तो ये खा नहीं पाया, चलो देखते हैं सबको टेस्ट कराते हैं कि ये कैसा लग रहा है, सबको कैसा स्पाइसी लग रहा है, चलिए चलते हैं। हम लोग आ गए नीचे और टेस्ट कराएंगे, और ये टॉमी जो है मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ये मेरा टॉमी है, टमू क्या कर रहा है, चलिए टामू को भी मिलेगा, मिलेगा बैठो करो, इसको टेस्ट करो, खा के देखो कैसा लग रहा है, कैसा लगा, ठंडा होगा, टेस्ट क्या, तीखा कम लग रहा है, टेस्ट कैसा लग रहा है, टेस्ट तीखा है, हम लोगों को तो जल रहा था, हम लोग कहाँ पे तीखा लग रहा है बताओगे आप, खा ले पहले, टेस्ट अच्छा लग रहा है, खा सकते हैं, टेस्ट कैसा लग रहा है, टेस्ट टेस्ट कैसा है, टेस्ट अच्छा, टेस्ट अच्छा है, हमको तो अच्छा लगता, उल्टी करने लगे थे, क्यों कर रही थी, हाँ ये चैलेंज गाइस मुझे लगता है इनके साथ करना चाहिए, यस, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये तो बिल्कुल कोरियन की तरह खा भी नहीं है, मुंह का फिनिश कर लीजिए पहले, पानी इसका मतलब तीखा लगा है, इसका मतलब तीखा लगा है, अब बस अनजान मन नहीं है, अच्छा इसी पानी दो, पानी दो, बोली दो, मजा आया, अब क्या कहना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, स्टार्टिंग में हम लोगों को भी नहीं लगा था, हाँ हम लोगों को भी नहीं लगा था, हल्का सा थोड़ा सा लगा और ज्यादा लगने लगा था, फिर लगने लगा एकदम से बहुत तेज, मिर्च का समस्या नहीं है, स्टार्टिंग में लगा था नहीं लगा था, नहीं स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं लगा था, लेकिन जब थोड़ा टाइम हो गया उसको खाते तब काफी ज्यादा लगने लगा, आप बताइए क्या राय है आपकी, जरा कैमरा पे बोल के बताइए, अब लग रहा है तीखा, तीखा तो है, थोड़ा तेज बोलो, तीखा तीखा तो खा के जरा, ये अरे बाप रे, तो चलिए गाइस अब यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय बाय, बाय बाय कर लो, बाय 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 बाय।